हिमाचल में अभी तक वैसी बर्फबारी नहीं हुई है जैसी बर्फबारी के लिए प्रदेश जाना जाता है। कुछ दिनों पहले शिमला के ऊपरी इलाकों में कुछ फाहों के साथ मौसम ने करवट बदली थी, लेकिन कुछ मिनटों की बर्फबारी से पहाड़ ज्यादा देर तक बर्फ की आगोश में नहीं रह पाए। इन दिनों सूबे में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और मैदानी इलाकों में धुंध का साया है और आगामी समय के लिए भी मौसम विभाग ने मैदानों में धुंध के बने रहने की संभावना जताई है। इसके अलावा मौसम विभाग ने आगामी 25 जनवरी से प्रदेश में मौसम बदलने की संभावना जाहिर की है, जिसमें ऊंचाई वाले कई इलाकों में बर्फबारी की संभावना और मध्यवर्ती इलाकों में बारिश होने की संभावना है। प्रदेश में मौसम मेनली ड्राई रहने की संभावना है और साथ ही जो हमारे प्लेन के डिस्ट्रिक्ट हैं ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा है, सिरमौर का प्लेन एरिया, तो यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग में डेंस फॉग होने की संभावना है। साथ ही ऊना और कांगड़ा का जो प्लेन का एरिया है एडजॉइनिंग पंजाब, वहाँ पे कोल्ड वेव कंडीशन होने की संभावना है आगामी 48 घंटों के लिए। फिर देखिए 25 तारीख से 25, 26, 27 तारीख को जो हमारे हाई हिल्स के डिस्ट्रिक्ट हैं चंबा, लाहौल स्पीति, कुल्लू, किन्नौर, यहाँ पे हल्की हाई रिजेज में स्नोफॉल होने की संभावना है। फिर 28-29 को थोड़ी जो रेनफॉल एक्टिविटी है जो हमारे मिडिल के डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे मंडी है, शिमला है, सिरमौर है, कांगड़ा, यहाँ पे हल्की बारिश होने की संभावना है। बर्फबारी न होने की वजह से पर्यटन पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। इस बार प्रदेश में बर्फबारी न होने की वजह से हिमाचल आने वाले सैलानी भी निराश नजर आ रहे हैं। पर्यटन के लिहाज से मौसम अनुकूल नहीं है, जिसकी वजह से राज्य की आय भी प्रभावित हो रही है। अब देखना होगा कि आगामी समय में किस तरह का मौसम रहेगा और कितनी जल्दी सूने पड़े पहाड़ों को बर्फ अपनी आगोश में लेती है। शिमला से कमल ठाकुर, सूर्या समाचार।